हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार लक्ष्य एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी डियर स्टूडेंट को ये पता होगा कि केबीएस का वैकेंसी आ चुका है और इस कोर्स में हम लोग पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टडी अगर करना है तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है आपका। तो मैथ्स का सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सारी चीजों को अच्छी तरह से एग्जामिनेशन से पहले स्टडी कर ले, जिससे आपका एग्जामिनेशन बेहतर जाए और रिजल्ट आपका आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस में पीजीटी के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो देखिये, जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा है, सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है आपका सेट्स। तो सेट्स में सबसे पहले सेट्स और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानना है कि सेट्स किसे कहा जाता है और रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है। देन उसके बाद में हम लोग सभी को जानना है कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें अलग अलग आपको सेट्स के बारे में पढ़ने होंगे और साथ ही उनके प्रॉपर्टीज और फिर देन आफ्टर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक, जिसमें आपका इंपटी सेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के बारे में जानना है, फिर इक्वल सेट्स, उसके बाद एक मेन टॉपिक आता है आपका सबसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो सबसेट्स पढ़ने हैं। फिर सबसेट्स ऑफ ए सेट्स, यानी सेट का भी सबसेट्स होता है, वो भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ सेट्स भी आपको जानने होंगे। ऑफ वो कैसे नंबर के होते हैं, सभी रियल नंबर, ऐसा नंबर जिसके अंदर में सभी तरह के मैथ्स के नंबर आ जाते हैं, उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना होगा। उसके बाद स्पेशली इंटरवल जो होता है इसमें, उसमें पढ़ना है विथ नोटेशन वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक पढ़ना है इनवर्सल सेट। इन्वर्सल सेट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ सेट्स चैप्टर, इन्वर्सल सेट भी आपको स्टडी करना है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम, डायग्राम के थ्रू जानना है कि कैसे सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वेन डायग्राम। देन आफ्टर वी डिस्कस द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये सभी सेट्स रिलेटेड कुछ अलग अलग टाइप के लॉजिकल आपका कंडीशन वाइज एक प्रोसेस होता है जो किसी नंबर में हम लोग लगा के कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यूनियन ऑफ सेट्स आ जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स आ जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी आता है। साथ में कॉम्प्लीमेंट की जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सभी हम लोग वन बाई वन करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आता है जब आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए कि सेट्स क्या है, तब आप रिलेशन और फंक्शन में डायरेक्ट जा सकते हैं, रिलेशन और फंक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हो कि रिलेशन फंक्शन में जो चैप्टर केवीएस के थ्रू दिया गया है वो सिलेबस में आपका क्या क्या है, तो एक हो गया पहले ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं ये जानना होता है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। फिर आपका आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स, दो फाइनाइट सेट्स अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोग कितने नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हम लोग को इसके थ्रू जानना है। प्लस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द रियल फिक्स इटसेल्फ, यानी कि रियल नंबर का रियल नंबर के साथ अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के कौन कौन से रिलेशन निकल सकते हैं और उससे रिलेट जितने भी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए वो हम लोग देखेंगे। फिर आपका आता है रिलेशन का डिफिनेशन क्या है, इसका पिक्टोरियल डायग्राम्स क्या होता है, डोमेन कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड किया जाता है रिलेशन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स टू फाइनाइट सेट्स का ये फिर जानना है आपको। उसके बाद कुछ फंक्शन होते हैं जो स्पेशल टाइप के फंक्शन कहलाते हैं रिलेशन से रिलेटेड, वो क्या क्या है, तो पिक्टोरियल,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन को फिगर के थ्रू कैसे दिखाया जाता है, ये भी वन बाय वन आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे फंक्शन का निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। और जितनी भी तरह के फंक्शन के टाइप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपको इस कोर्स में पढ़ना होगा, जिसमें कौन कौन सा है, रियल वैल्यू फंक्शन हो गया, उसके बाद उसका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, कांस्टेंट किसे कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रेशनल, मॉडुलस, सिग्नम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ साथ आपका लोएस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़ना है, और ग्राफ भी, सम, डिफरेंस, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का सम, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे फाइंड किया जाता है कुछ दिए हुए फंक्शन को लेकर, ये भी आपको जानना है। तो ये सेकेंड नंबर में आता है। थर्ड जो आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज आप आने वाले कैलकुलस वाले पार्ट में आपको करना होगा। थर्ड नंबर पे आपका क्या होगा, तो थर्ड नंबर में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी करना होगा। तो ये आपका मेन आपका सिलेबस में है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को देखना होगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ बहुत सारा चैप्टर, मैक्सिमम 7-8 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिसमें इस कॉन्सेप्ट का, ट्रिगो के फार्मूला का यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको स्टडी करना होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बेस पे ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स पढ़ना है, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियंस में और डिग्री में कैसे निकाला जाता है, और साथ में इन दोनों का इंटर कन्वर्जन कैसे है, रेडियन से हम लोग डिग्री कैसे ला सकते हैं, डिग्री से रेडियन कैसे ला सकते हैं, ये भी आपको स्टडी करना है, ठीक है। फिर सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग फार्मूला के थ्रू देखेंगे कि ये फार्मूला क्या, कौन सा फार्मूला है जिसका यूज पूरे चैप्टर में करना है। उसके बाद ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, यानी साइन 2x cos 2x बराबर 1, यानी ये क्या है, स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, बाय मिस्टेक वैसे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, और इस तरह के जितने भी आइडेंटिटी हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर साइन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कैसे दिखाया जाता है, डोमेन और रेंज कैसे काम करता है ये जानना है, उसका ग्राफ्स भी आपको जानना है कि ग्राफ कैसा बनता है, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, है ना, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे बनता है। फिर कुछ एक्सप्रेसिंग फंक्शन होंगे, साइन एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस माइनस वाई इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, साइन वाई, ये सब के टर्म में कैसे लिखा जाता है, ये फार्मूला कैसे आया है, इसके बारे में भी जानना है आपको। तब उसकी सिंपल इक्वेशन, और इसकी सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जानने हैं। फिर आइडेंटिटीज आपको 2x sin, sin 2x cos 2x, tan 2x sin 3x cos 3x एंड tan 3x से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट आपके केवीएस में सारा नहीं दिया हुआ है, हम लोग को केवल tan 3x तक के फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखना होगा। Then after, उसके बाद आपका अलजेब्रा का सेक्शन आता है डियर स्टूडेंट्स। अलजेब्रा का सेक्शन में क्या है भाई, तो अलजेब्रा के सेक्शन में आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो आता है वो आपका एक मेन दो टॉपिक है जो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक है आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सेकेंडरी लेवल में भी आप सभी पढ़े होंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे इसमें नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, स्पेशली अगर हम, अगर किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे हैं
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका उपयोगी पार्ट है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ सम सिंपल प्रॉब्लम आपको पढ़ने होंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें अलग अलग उसका मेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे किया जाता है, ये सारा आपको देखना है, ठीक है। फिर आर्गन प्लेन में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी देखना है। तो थोड़ा सा सिलेबस दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, क्योंकि अगर हम पिछले कभी भी सिलेबस में आपका जो था वो बहुत ज्यादा पूछा जाता था इस पोर्शन से, लेकिन अभी इस बार थोड़ा कम कर दिया गया है। नेक्स्ट में आता है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या होता है ना कि टू क्वांटिटीज के बीच में बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, हो सकता है कि पहला क्वांटिटी दूसरा से बड़ा हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल टू, ये सब साइन के साथ हो सकता है। तो उससे रिलेट करता हुआ लीनियर इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें शेडेड करना होता है ग्राफ के थ्रू कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे शेड हो सकता है। तो ये आपका जानना है अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, और साथ में उसका रिप्रेजेंटेशन जानना है ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन में हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये जानना है। उसके बाद आता है आपका सिक्स अलजेब्रा में आता है, वो है सिक्स नंबर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है, लेकिन आपको बस थोड़ा ही पार्ट पढ़ना है, ज्यादा पार्ट पढ़ना नहीं है, ठीक है, ज्यादा पार्ट पढ़ना नहीं है। क्या क्या है इसमें? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है वो पढ़ना है, फिर फैक्टोरियल एन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है, फिर व्हाट डू मीन बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसको हम लोग क्रमचय और संचय दोनों बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रमचय है ना, और इसको बोला जाता है संचय, है ना, क्रम के अनुसार और ऑर्डर के हिसाब से अगर हम किसी चीज का अरेंजमेंट करते हैं तो क्रमचय हो गया, और संचय मतलब सिलेक्शन को कहा जाता है। फिर डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर एनपीआर, एनपीआर और एनसीआर का डेरिवेशन भी आपको जानना है, एनपीआर इक्वल टू कैसे निकलता है फार्मूला, और एनसीआर का फार्मूला कैसे निकाला जाता है ये जानने हैं। और इससे रिलेट करता हुआ सिंपल प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, लेकिन जो भी सिलेबस होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, अगर आपको उसको नॉलेज होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट में आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम, इसी का अगला पार्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में भी आपका छोटा सा पार्ट दिया है, बड़ा पार्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए डोंट वरी, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये सब ऐसा टॉपिक है जो एक बार आपको स्टडी करवा दिया जाएगा, मैं जब करवाऊंगा आपको तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो परफेक्टली आप सही करके आओगे, ऐसा नहीं कि गलत करके आओगे, बहुत जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बाइनोमियल में तो क्या जानना है, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए जानना है, कि अगर आप किसी भी टू टर्म्स के पावर में अगर पॉजिटिव पावर लगाते हैं तो इस तरह का पढ़े होंगे, बाइनोमियल में इसी तरह का एक्सपेंशन पढ़ना होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर, या a प्लस b का 5 पावर, a प्लस b का 7 पावर, या कितना भी पावर कर दो पॉजिटिव, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये इसमें पढ़ना है आपको। फिर पास्कल ट्रायंगल रूल जानना है और इसका सिंपल एप्लीकेशन जानना है। फिर सिक्वेंस और सीरीज पढ़ना होगा, नेक्स्ट में आपका आएगा सिक्वेंस एंड सीरीज। तो ये स्कूल लेवल में भी पढ़ा हुआ पार्ट है, जिसमें एपी वगैरह स्टूडेंट पढ़ लिए होंगे आप लोग, लेकिन इसमें क्या है कि सीक्वेंस सीरीज के बारे में जानना है, सीक्वेंस का किसे कहा जाता है, सीरीज क्या है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानना है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जानना है, फिर उसके बाद एक ज्योमेट्रिक मीन डाला गया है, और जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को कैसे यूज करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जानना है, इनफाइनाइट जीपी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इसका सम और ज्योमेट्रिक मीन भी जानना है, साथ में रिलेशन बिटवीन एएम और जीएम जानना है। तो इतना आपको सीक्वेंस सीरीज में पढ़ना होगा। इसमें और भी होते हैं जो कि आपका ओमिटेड है सिलेबस से,
तो और ज्यादा भी होता है सिलेबस में, तो वो आपको छोड़ दिया गया है इसमें, ठीक है। चलो उसके बाद आता है 9 नंबर। 9 नंबर जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका स्ट्रेट लाइन। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे ना, उसी का स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन का स्लोप कैसे हम लोग डिफिनेशन से जानेंगे और कैसे निकाला जाता है वो स्टडी करेंगे। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइंस जानना है, उसका वेरियस फॉर्म जानना है, कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं उसके। पैरेलल टू एक्सिस जानना है, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन है, किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा ये जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आपका आता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में आपको जानना है जनरली सर्कल के बारे में, इलिप्स के बारे में, पाराबोला, हाइपरबोला, है ना, अ पॉइंट और स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज ए जनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये सारा चीज का डिफिनेशन आपको जानना होगा थ्रू डायग्राम और इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होते हैं। बहुत ज्यादा भास्ट वाला नहीं है ये, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सिलेबस में, तो उसी को आपको स्टडी करना है, ठीक है। फिर सब स्टैंडर्ड इक्वेशन जानना है और सिंपल प्रॉब्लम आपको सीखना होगा, ठीक है। ये चीज आपके सिलेबस में गिवेन है। और सिंपल इक्वेशन किसका किसका जानना है, तो पाराबोला का जानना है, एलिप्स का और हाइपरबोला का जानना है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में जानना है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये जो ऊपर वाला सेक्शन था कॉनिक सेक्शन, और वो 2D डायमेंशन कहलाता है, यहाँ पे क्या आता है 3D आता है। 3D में आपको बस स्टार्टिंग का नॉलेज रखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका कैसे हम समझते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स कैसे आते हैं स्पेस में। स्पेस में अगर कोई पॉइंट का हम लोग लोकेशन देखते हैं तो वो 3D ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद का सेक्शन आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये आपका कैलकुलस का पोर्शन है जो कैलकुलस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ये कैलकुलस के अंदर आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको जानना है लिमिट और डेरिवेटिव। लिमिट किसी फंक्शन का कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में आपको स्टडी करना है, और साथ ही किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है उसके बारे में हम लोग को डिटेल में समझना है, क्योंकि इससे रिलेट करते हुए आपको आगे का चैप्टर मिलेगा। इसमें क्या क्या जानना है, डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस एज अ रेट चेंज, ठीक है, रेट चेंज, डेरिवेटिव इन इंट्रोड्यूस एज रेट चेंज बोथ एज दैट ऑफ डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिटिव और आइडिया ऑफ लिमिट को कैसे निकाला जाता है, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स, रेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल का कैसे निकालते हैं, लॉगरिथमिक का कैसे निकलता है, लिमिट स्पेशली कैसे निकाला जाता है, ये जानना है। फिर डेरिवेटिव जानना है हम लोग को टेंजेंट ऑफ द कर्व के बारे में, डेरिवेटिव ऑफ सम जानना है, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जानना है कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल या डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव डीसी निकालते हैं, ये जानना है। उसके बाद आपका आएगा स्टैटिस्टिक्स, आपका आता है जिसमें इंटर लेवल के सिलेबस में जो है वही उसका छोटा सा पार्ट पढ़ना है, जिसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आता है, रेंज आता है, मीन, डिविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा दोनों का, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा दोनों का ही जानना है डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका प्रोबेबिलिटी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या है भाई, तो ये भी आपका क्या है, सिंपल है, बहुत हार्ड वाला नहीं दिया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं, है ना, और इसमें इवेंट्स, ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स, उसके बाद नोट एंड एंड और इवेंट्स, ये सब क्या होता है, एक्सहॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, तो इसमें भी कुछ कुछ पार्ट है जो आपको
जानने हैं, और समझ जाने के बाद इसके टॉपिक के भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है 15 नंबर रिलेशन फंक्शन। स्टार्टिंग में देखो एक रिलेशन फंक्शन था जो कि 11th का पोर्शन था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है एक 12th का पोर्शन में भी रिलेशन फंक्शन आता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन आपको पढ़ने हैं, जिसमें एक आता है रिफ्लेक्सिव, एक हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, एक सिमेट्रिक होता है, एक ट्रांजिटिव होता है, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसके बारे में प्लस और भी हम लोग को जानना है, 1-to-1 ऑन्टो फंक्शन के बारे में भी सीखना है। उसके बाद त्रिकोण का एक और पोर्शन आता है इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आते हैं स्टूडेंट्स, इसे भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये वाला डेफिनेशन है, फिर इसका रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज, ब्रांच, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जानने हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से, ठीक है, ये दोनों सेक्शन जो आपका है डिटरमिनेंट और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेक किया जाता है स्टूडेंट के नॉलेज को, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक आप देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक इसमें है जो अलग अलग टाइप से आपको पढ़ने होंगे। फिर डिटरमिनेंट में भी आपका आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है, चाहे वो 2-into-2 मैट्रिक्स हो, चाहे 3-into-3 मैट्रिक्स हो, उसी का डिटरमिनेंट निकाला जाता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। फिर माइनर कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, एडजॉइंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, है ना, एग्जांपल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 or 3 वेरिएबल्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये जानना है। और ऊपर में भी आपका मैट्रिसेस में बहुत सारे पार्ट हैं जो आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद आता है कैलकुलस का एक पोर्शन आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस का, जिसमें कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंसिबिलिटी क्या होता है, डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का कैसे निकाला जाता है, चेन रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन कैसे निकलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे काम करता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे निकाला जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म जानना है, और सेकंड ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है 19 नंबर, जो आपको बनाने में बहुत मजा आएगा, और इससे भी क्वेश्चन आपका इजीली पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या हो गया कि जो भी आप 19 नंबर वाला पोर्शन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हो उसी से रिलेट करता हुआ ये टॉपिक है, और इसकी नॉलेज को यहाँ पे यूज करना है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या आता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जानने हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी फंक्शन का, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज प्रोबेबल टूल के द्वारा जानना है, सिंपल प्रॉब्लम है दैट जो बेसिक प्रिंसिपल होगा और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता हुआ सम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कौन कौन सा टॉपिक है, तो इंटीग्रल्स आप देख सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल्स है आपका, इंटीग्रेशन में अलग अलग पार्ट होता है, इस तरह के जितने भी ये लिखे हुए हैं, इस तरह की जितने भी सिचुएशन है, वो सभी का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपको स्टडी करना है इसमें, ठीक है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जानना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका जानना है, बेसिक प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल्स का जानना है, और कैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड आउट किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स को वो जानना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन में इसमें क्या आता है, फाइंडिंग एरिया सिंपल कर्व का कैसे निकाला जाता है, स्पेशली लाइंस रहेगा बना हुआ, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सब सिंपल वाला जानना है, ये हो गया आपका 22 नंबर।
23 नंबर में जानना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो जिनको भी इंटीग्रेशन का नॉलेज होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसलिए कोशिश ये करना है कि कैलकुलस वाले पार्ट को बनाने से पहले ट्रिगो वाला पार्ट अपना अच्छा कर लो, और वो अच्छा करने के बाद कैलकुलस वाले पोर्शन में आ जाओ, और उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस अगर अच्छा बना लेते हो, इंटीग्रल कैलकुलस अगर अच्छा बना लेते हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर हार्ड नहीं रहता है, ये बहुत आसानी से फिर आप बना सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जानना है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री, जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जानना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये जानना है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का रहेगा, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है टाइप dy / dx + py = q के फॉर्मेट में, और p और q जो है फंक्शन है x और कांस्टेंट में साथ में, ये तो जो टाइप यहां दिया है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट में आता है वेक्टर, तो वेक्टर में क्या-क्या आता है, वेक्टर में वेक्टर्स और स्केलर फिजिक्स वगैरह में आप पढ़े होंगे, उससे रिलेट करता हुआ ही मैथमेटिकल कांसेप्ट और टाइप का आपका मैथ्स में पढ़ना है। वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है किसी वेक्टर का ये जानना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स किसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर किसको बोला जाता है ना, उसके बाद नेगेटिव ऑफ वेक्टर किसी वेक्टर का नेगेटिव कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्या है, सब डिफिनेशन है आपका, कोई बड़ा नहीं है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये सब डिफिनेशन टाइप का है जो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ड्राइविंग अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो है, डिफिनेशन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन ऑफ स्केलर डॉट वेक्टर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तक जानना है आपको। उसके बाद देखो फिर से एक 3D वाला फिगर आ जा रहा है, 3D ज्योमेट्री आ जा रहा है, तो इसमें उसकी आगे का पोर्शन है जो कि स्टार्टिंग में हम लोग 3D ज्योमेट्री के बारे में देख रहे थे सिलेबस में। इसमें क्या है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट को हम लोग आपस में मिला रहे हैं, दो पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पता है तो उस लाइन का स्पेस में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं वो सीखना है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है किसी लाइन का, स्क्रू लाइन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, ये सब आपको 3D ज्योमेट्री में पढ़ना होगा। उसके बाद एक सेक्शन आता है आपका स्टूडेंट डियर स्टूडेंट लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इसको हम लोग LPP भी बोलते हैं शॉर्ट में, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कंस्ट्रेंट्स, कौन कौन सा टर्म इसमें यूज होता है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा हेल्प करेगा, है ना, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक पार्ट है जिससे आप क्वेश्चन आसानी से पकड़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, है ना, फिर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं टू वेरिएबल्स का वो पढ़ना है, फिसिबल और इनफिसिबल सॉल्यूशन रीजन किसको बोला जाता है ये जानना है, जिसको हम लोग बॉन्डेड और अनबॉन्डेड के नेम से भी जानते हैं। और फिसिबल और इनफिसिबल सॉल्यूशन को जानने के बाद ऑप्टिमम फिसिबल सॉल्यूशन क्या होता है, अप टू 3 नॉन ट्राइवल कंस्ट्रेंट्स, अगर 3 वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग को सीखना है। उसके बाद फिर से आपका एक प्रोबेबिलिटी का अलग पार्ट जो कि थोड़ा सा नॉलेजेबल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस होता है, समझना जरूरी होता है, अगर इसके पार्ट को आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन फिर बनाना बहुत आसान होता है, और यही आपका लास्ट हो जाता है इसमें मैथ्स में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानना है। हाउ, व्हाट डू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी का, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, बायस थ्योरम क्या होता है, रेंडम वेरिएबल क्या होता है, इट्स प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी क्या डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ना है, मीन रेंडम वेरिएबल पढ़ना है, तो ये सब आपका टॉपिक जो है PGT सिलेबस के लिए आपका रखा गया है। ठीक है, PGT, तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं
और ये सारे मैथ में अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता भी है, तो ये सारे प्रॉब्लम को अगर अच्छी तरह से आपको करना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने वन बाय वन सारे सिलेबस को समझाया आपके लिए और इसमें क्या-क्या पढ़ना है वो सारा सिलेबस में आप देख रहे होंगे, है ना। तो बहुत ही कम सिलेबस तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसी में आपको इस तरह से पढ़ाई करना है कि सारा सिलेबस भी आपका कवर होगा। और ये कवर हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि अगर जॉब लेना है तो कुछ तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा। अगर ये सिलेबस बहुत ज्यादा देखने में लग रहा है तो इसको हम लोग कम करेंगे। कम कैसे कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आपको जितना हो सके इस सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बिना किए आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपके पास करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए इस कोर्स को लेना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आपको पीजीटी एग्जामिनेशन निकालना है और मैथ्स आपको प्रॉब्लम ना कर दे। मैथ्स में आप इजली निकल जाओ, है ना, अच्छे मार्क्स से, तो आपका जॉब फिक्स हो सकता है। आपके लिए लक्ष्य एकेडमी पीजीटी केबीएस के द्वारा जो निकाला हुआ वैकेंसी है उसके लिए एक स्पेशल मैथमेटिक्स का ये शेड्यूल अरेंज किए हैं हम लोगों ने, जो कि 12 दिसंबर से आपके लक्ष्य एकेडमिक वाले हमारी यूट्यूब चैनल पे बार बार आपको देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। तो बाकी आप इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके देख सकते हो और वहां से सारा क्योरी कंप्लीट कर सकते हो, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस कोर्स को लीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ आप आइए, आपका सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन और क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, कैसे कम टाइम में सॉल्व किया जाता है, ये सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट वन बाय वन सारी चीज को समझना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख लिए कि बहुत सारा सिलेबस है और कौन कौन सा पोर्शन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, वैसे ये सारा का सारा सिलेबस 11th और 12th के ही है, बट उसमें भी थोड़ा बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन अच्छी तरह से करने से निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर करोगे और अपनी सफलता को प्राप्त करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, बाबा, बाय बाय, टाटा।